हेलो दोस्तों नमस्कार एम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर एस एस के बारे में जो बेस्ट बुक है दोस्तों आप उसको परचेस कर सकते हैं उसके बारे में सारी जानकारी तो ये आपको दिख रहा है दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन क्या दिख रहा है दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक आपको यहाँ पर नजर आ रही है अब इसमें क्या खास बात है दोस्तों है ना इसमें खास बात ये है कि दोस्तों ये सभी के लिए आपकी कॉमन बुक है यहाँ पर ऑल इन वन बुक यहाँ पर तैयार की गई है है ना टोटल चीज मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बाद आप बिल्कुल आप इसके बारे में पूछ सकते हैं सी आर पी एफ बी एस एफ एस एस बी सी आई एस एफ आई टी बी पी असम राइफल सभी के लिए दोस्तों महिला और पुरुष दोनों विद्यार्थियों के लिए दोस्तों यह इम्पोर्टेंट बुक रहने वाली है, है ना ऑल इन वन में देखिए आपकी क्या क्या रहने वाला है सामान्य बुद्धिमत्ता यानी कि आपकी रीजनिंग आपकी रहने वाली सामान्य अध्ययन कि जीके रहने वाला है मैक्स रहने वाला है साथ में दोस्तों हिंदी या इंग्लिश दोनों में से जो भी चुना है क्योंकि दोनों में से एक सब्जेक्ट हमको चुनना रहता है है ना तो दोनों सब्जेक्ट आपको इसी में इंक्लूड मिल जाएंगे आप हिंदी में डाला है आपने तो हिंदी की बुक भी आपको इसी में इंक्लूड है इंग्लिश से डाला है तो वो भी आपको इसी बुक में एक ही बुक में मिल जाएगा तो ये वर्दी तो दिख रही होगी दोस्तों आप लोगों को साथ में दोस्तों दो सोल्ड पेपर आपके लिए बिल्कुल फ्री यहाँ पे दे रखे हैं 2019 के है ना चलिए मैं बात करता हूँ और भी यहाँ पे चीज़ें जैसे कि मैं बता देता हूँ यहाँ पे कुछ सिलेबस वगैरह भी है विषय सूची सबसे पहले मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप इस बुक को बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं ये आपको दोस्तों ये आपको पूरा शिफ्ट भी दे रखेगी ये पेपर है इस पैटर्न का आया था उसी के आधारित दोस्तों खास बात करंट अफेयर की पूरा अपडेटेड है दोस्तों यहाँ पर करेंट अफेयर आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक है है ना ये आपकी बुक वगैरह है मतलब सब्जेक्ट दे रखा है आपका कौन सा है गणित का रीजनिंग का ठीक है ये यहाँ पर देख सकते हैं आप दूसरा यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी का ये विज्ञान यहाँ पर इंक्लूड है हिंदी और इंग्लिश तो ये इंग्लिश का टोटल ओवरऑल सब्जेक्ट दे रखे यहाँ पर कवर कर रखे पेज भी आपको यहां पर दे रखा है साथ में ये आपका हिंदी का भी यहां पर दोस्तों मिल जाएगा तो बिल्कुल आप इस बुक को ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है दोस्तों आप परचेस करना चाहे तो घर बैठे भी दोस्तों इसको मंगवा सकते हैं चाहे अमेजन से फ्लिपकार्ट से बिल्कुल ये आ सकती है कोई क्यूरी हो तो वो क्वेश्चन वो आपका मोबाइल नंबर भी यहाँ पर अपडेट मिल जाएगा जिससे आप दोस्तों कोई जानकारी लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकते हैं है ना इस प्रकार का आपका सिस्टम मिल जाएगा चलिए तो इसका एक प्रैक्टिस सेट और आता है वो और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों चलिए ये आपको यहाँ पर दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिल रहा है प्रैक्टिस सेट में दो प्रकार के प्रैक्टिस सेट हैं एक तो आपका ये वाला और एक आपका ये वाला है ना पहले इसको लगा सकते हैं इसको इसको लगा सकते हैं और दोस्तों ये आपकी ऑल इन वन वाली बुक है यानी कि आप ये तीनों बुक दोस्तों बिल्कुल परचेस कर सकते हैं बिल्कुल अपडेट के साथ में दोस्तों आपको प्रोवाइड की जा रही है ठीक है चलिए मैं अब आगे बात करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं अपनी तैयारी को तो नमस्कार साथियों सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों तो स्टार्ट करते हैं हम एसएससी जीडी के ओल्ड पेपर पर आधारित दोस्तों जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको सामान्य अध्ययन वाले यानी कि आपका जीके वाला में करवाने वाला हूँ तो 25 नंबर की तैयारी दोस्तों आपके यहाँ से हो जाएगी तो वो मैं आप स्टार्ट करते हैं चलिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो ज्वाइन कर लीजिए एम सी सी क्लासेज ब्यावरा टेलीग्राम चैनल को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली हमारी रात को नौ बजे दोस्तों लाइव क्लास रहती है ठीक है तो सबसे पहले बात करता हूँ कागज़ का भारत में आगमन किस सदी में हुआ था है ना ये प्रश्न आपका पूछा गया है कि कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ था तो कागज का भारत में आगमन जो हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों ये हुआ था तेरहवीं सदी में कब हुआ था तेरहवीं सदी में ठीक है चलिए तो बोलते हैं ना एक कुछ कागज वगैरह गिर जाते हैं टेबल के नीचे गिर गए तो मैडम या टीचर आते हैं सर आते हैं तो बोलते हैं किसका कागज है तो बोलते हैं है? तो है, भैया इनका कागज है या दोस्त क्या बोलते हैं भैया तेरा कागज है मेरा कागज नहीं है तो कागज का भारत में आगमन जो हुआ ये कब हुआ तेरहवीं सदी में इसका आगमन हो चुका था तो पहला आंसर पहला प्रश्न आपके लिए बिल्कुल बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है हमारा लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी दोस्तों बताइए आंसर जल्दी से तो लखनऊ से पहले जो अवध की राजधानी हुआ करती थी वो थी दोस्तों फैजाबाद कौन सी दोस्तों फैजाबाद दोस्तों अवध की राजधानी हुआ करती थी किससे पहले लखनऊ लखनऊ वर्तमान में हमारा गोमती नदी के किनारे आपको याद रखना है ठीक है तो लखनऊ लखनऊ से पहले फैजाबाद हुआ करती थी अवध की राजधानी ठीक है क्वेश्चन है हमारा जिनको नियाद दोस्तों बिल्कुल आप सुनिए इन प्रश्न को है ना क्योंकि ये क्या है कि एग्जाम में कभी ना कभी दोस्तों आपसे पूछे गए हैं और हो सकता है दोस्तों एग्जाम में उस टाइम पे रिकॉल में आपके आ जाए तो प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था ये आपका प्रश्न है प्रथम भक्ति आंदोलन का दोस्तों आयोजन किया गया था ये किया गया था किसके द्वारा तो भक्ति आंदोलन सबसे प्रथम दोस्तों शंकर रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया किसके द्वारा रामानुजाचार्य के द्वारा प्रथम भक्ति आंदोलन का दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया आयोजन किया गया था सी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा फिर प्रश्न संविधान के अनुसार की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों क्वेश्चन आता है संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल कब तक लागू रह सकता है राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा हूं राष्ट्रीय आपातकाल तो ये राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों अनिश्चित काल तक भी लगा रह सकता है ध्यान रखना संविधान के अनुसार की बात कर रहा हूं मैं ठीक है चलिए तो ये आपका फिर वो उनके मिनिमम वो रहता ही है कि कब से कब तक लगाना है भैया कुछ सिस्टम जो रहता है वो चीज एक अलग हो जाती है लेकिन कब तक लागू रह सकता है तो रह सकता है बात कर रहा हूँ यहाँ पर तो अनिश्चित काल के लिए सामाजिक सुरक्षा किस सूची में शामिल है सामाजिक सुरक्षा किस सूची में शामिल है दोस्तों तो सामाजिक सुरक्षा जो शामिल है दोस्तों यह हमारी संवर्ती सूची का विषय किस सूची का विषय सूची का विषय तो सामाजिक सुरक्षा दोस्तों किस सूची में आता है तो यह संवर्ती सूची का विषय है याद रखना ठीक है तीन प्रकार की सूची होती है संघ सूची संवर्ती सूची राज्य सूची संघ यानी केंद्र राज्य यानी कि राज्य संवर्ती यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन फिर है मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ जब मंदिर निर्माण कला में दोस्तों विमानन शैली का प्रचलन किया गया ये किसके शासन काल में किया गया था ये प्रश्न है आपका तो दोस्तों ये जो स्टार्ट हुआ ना ये किसके शासन काल में हुआ तो मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ तो ये हुआ दोस्तों चोल वंश के शासन काल में किसके में चोल वंश के शासन काल में याद रखना दोस्तों है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके समय चोल वंश के समय तो मंदिर निर्माण कला में दोस्तों विमान शैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ तो चोल वंश के शासन काल में हुआ ठीक है क्वेश्चन आता है बिल्कुल आप है ना बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको है ना मैंने दे रखा है यहाँ से आप बिल्कुल इस बुक को ले सकते हैं ठीक है चलिए मोबाइल नंबर भी दे रखा है कुछ क्वेरी रहती है आप तो ठीक है तो इस्लाम का प्रादुर् प्रादुर्भाव किस शताब्दी में है बताइए इस्लाम का प्रादुर्भाव किस शताब्दी में हुआ मेरे प्यारे दोस्तों बताइए जल्दी से तो इस्लाम का प्रादुर्भाव दोस्तों किस शताब्दी में हुआ यह हुआ था आपका सातवीं शताब्दी में कौन सी शताब्दी सातवीं शताब्दी में बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा फिर प्रश्न आता है हमारा चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने किस सुल्तान के शासन काल में आक्रमण किया बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा इसका चलिए बहुत बढ़िया चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने किस सुल्तान के शासन में आक्रमण किया था तो चंगेज खां के नेतृत्व में दोस्तों जो मंगोलों मंगोलों ने जो आ, 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 आक्रमण किया था ये कब किया तो ये किया था इल्तुतमिश के समय कब किया था अल्तुत्मिश यानी कि आपका कौन सा वंश चल रहा है याद रखना एबक वंश है ना कुतुबुद्दीन एबक है ना इसी से आप याद रख लीजिएगा अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा इसके बाद में द लीडर्स पुस्तक के लेखक कौन है बताइए जल्दी से गुलाम वंश है दोस्तों है ना पहला सल्तनत काल का पहला गुलाम वंशी आया था द लीडर्स पुस्तक के लेखक कौन है तो द लीडर्स पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों ये हो जाएंगे आपके रिचर्ड निक्सन कौन हो जाएंगे रिचर्ड निक्सन है ए आपका राइट right आंसर होगा यहाँ पर ठीक है तो ये आपको याद रखना है दोस्तों द लीडर्स पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे तो रिचर्ड निक्सन दोस्तों इस पुस्तक के यहाँ पर लेखक हो जाएंगे ठीक है ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया फिर है बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है बताइए बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा हो जाएगा तो बैंक नोट जारी करने वाला जो प्रथम देश है मेरे प्यारे दोस्तों वो है आपका स्वीडन देश तो बैंक नोट जारी किसने किया था स्वीडन ने किया था किसने देश ने स्वीडन ने किया था ठीक है ये याद रखिएगा दोस्तों प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर ठीक है चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न आता इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन है हमारा त्रिभुवन हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है त्रिभुवन हवाई अड्डा कहाँ पर है तो ये त्रिभुवन हवाई अड्डा दोस्तों जो है आपका काठमांडू में याद रखना त्रिभुवन हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा तो ये दोस्तों काठमांडू में हो जाएगा सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर है ठीक है प्रश्न है अगला राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा होगा दोस्तों बताइए मेरे मित्रों राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश तो राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला जो पहला देश है दोस्तों कौन सा देश है वो देश है जापान तो राष्ट्रगान सबसे पहले प्रारंभ किसने किया जापान ने ठीक है याद रखना दोस्तों सूर्य उगते हुए सूर्य का देश दोस्तों जापान ही है ना सबसे पहले दिन यही होता है याद रखना है ना सूर्योदय फिर आता है प्रश्न हमारा सिविल सेवा प्रारंभिक प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला पहला देश तो सिविल सेवा सबसे पहले प्रारंभ हुई थी दोस्तों किस देश में बताइए आंसर क्या होगा इसका चलिए बहुत बढ़िया तो ये हो जाएगा चीन यानी कि डी आपका यहां पर राइट आंसर है बहुत बढ़िया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों बताइए इसका आंसर जल्दी से बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे जल्दी आंसर दीजिए चलिए तो इसका जो हाँ बताइए आंसर क्या होगा इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हुए तो दोस्तों ये कौन हुए बताइए आंसर चारों ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर चलिए जॉन एडम्स ये क्वेश्चन याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा जॉन एडम्स तो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हुए जॉन एडम्स हुए प्रश्न आता है अशोक ने अपने किस लघुशिला लेख में अपना नाम अशोक अंकित किया था तो अशोक ने अपने किस शिलालेख में दोस्तों अपना नाम अशोक अंकित किया है ये बड़ा ही भारी प्रश्न है यू मान लीजिए परीक्षा की दृष्टि से क्यों क्योंकि दोस्तों तीन पेपर में आया था लगातार तीन पेपर में जो शिफ्ट चली थी दो में उसमें तीन पेपर में आया था उसी से याद रखना दोस्तों कौन कौन सा हो जाएगा मास्की और दोस्तों आपका गुर्जरा मास्की और गुर्जरा अभिलेख में दोस्तों दोनों में अशोक का नाम दोस्तों अशोक ही मिला है ठीक है तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सी वाला फिर है मुगल कालीन भारत में राज्य के आय का मुख्य स्रोत क्या था मुगल कालीन भारत में राज्य के आय का मुख्य स्रोत क्या हुआ था बताइए जल्दी से तो मुगल कालीन भारत में राज्य के आय का मुख्य स्रोत क्या रहा है तो ये मुख्य स्रोत जो रहा है दोस्तों भू राजस्व रहा है क्या रहा था भू राजस्व इनके उस पर चलता था सारा सिस्टम दोस्तों है ना तो भू राजस्व पर आधारित था ये याद रखना प्रश्न अगला औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है बताइए दारुल इस्लामी शेरियत महान शहीद इस्लाम या हुरियत महान अरे दोस्तों शेयर तो कर दो ये हमारा यह ना यह है दोस्तों इसका दारुल इस्लामी ठीक है औरंगजेब का अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था बताइए आंसर ये चारों ऑप्शन आपके सामने अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था है ना अरे शेयर करना है लाइक करना है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो एस एस वालों मेरे प्यारे दोस्तों है ना एस एस की धुआंधार क्लास दोस्तों पच्चीस नंबर पक्के यूँ मान लीजिए आप है ना करंट अफेयर भी मैं इसी में अपडेट कराऊंगा आपका नेशनल इंटरनेशनल सब कुछ तो अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था तो ये अंग्रेज जो रहा ना दोस्तों ये था आपका रोल्फ पिच है ना अकबर के दरबार में कौन आया था रोल्फ पिच अकबर है दोस्तों जहांगीर मत कर देना पिच आया था ठीक है प्रश्न अगला सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है चलिए तो ये क्षेत्राधिकार दोस्तों आएगा अनुच्छेद 133 तो अनुच्छेद 133 थें थें के तहत सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार दोस्तों है ना सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में है अनुच्छेद एक तीन तीन में है ये चलिए बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन है ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति तो बिना ऑक्सीजन के चढ़ गए भैया कौन ठीक है याद रखना कौन चढ़ गए दोस्तों फूदोरजी चढ़ चुके दोस्तों याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका चलिए बहुत ही बढ़िया वेरी गुड चलिए तो ये आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए ठीक है बढ़े आगे दोस्तों चलिए क्वेश्चन है अगला हमारा हाँ अपने शेरपा तेजिंग थे बहुत बढ़िया इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब की गई अरे इंटेलिजेंट ब्यूरो आईबी की स्थापना तो आईबी की स्थापना आईबी 1920 में आई थी ठीक है 1920 में क्या है भैया आईबी की स्थापना हुई इंटरनेशनल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस सॉरी ब्यूरो की स्थापना 1920 में हो चुकी है परमाणु खनिज विभाग कहां परमाणु खनिज विभाग कहां पर है तो परमाणु खनिज विभाग दोस्तों हमारे हैदराबाद में कहा हैदराबाद में तो परमाणु खनिज विभाग कहाँ हो जाएगा हैदराबाद में हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन हैदराबाद बिल्कुल मूसी नदी के किनारे दोस्तों निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन तो विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ना लाल बाल पाल से आपको याद रखना बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा दिया गया सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाले वह नेता कौन है दोस्तों बताइए बताइए क्या आंसर होगा सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाले नेता तो वो है दोस्तों आपके वीर सावरकर कौन रहे वीर सावरकर तो सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाले नेता दोस्तों हमारे वीर सावरकर रहे दोस्तों याद रखना अभिनव भारत की स्थापना उन्नीस में इन्होंने की थी गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई किसने कहा था निम्न में से चारों आपके ऑप्शन दे रखे तो गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई यह कहा था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने किन ने कहा था जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों यह कहा था ठीक है चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों जल्दी से भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कब हुई मित्रों बताइए आंसर जल्दी से इसका क्या होगा बताइए आंसर क्या होगा दोस्तों चलिए बहुत बढ़िया तो इसका जो आंसर है दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग भी क्या बात है बहुत ही शानदार बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही शानदार मेरे दोस्तों धन्यवाद आपको चलिए तो यह आपका हो जाएगा 1943 में तो याद रखना भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कब हो चुकी थी 1943 में दोस्तों इसकी स्थापना हो चुकी है इतिहास लिखने की कला सर्वप्रथम किस देश के नागरिकों ने विकसित की इतिहास लिखने की कला सर्वप्रथम किस देश के नागरिकों ने विकसित की तो इतिहास लिखना आरंभ कहाँ से हुआ दोस्तों ऐसा माना गया है चीन से हुआ है तो इतिहास लिखने की कला सर्वप्रथम किस देश के नागरिकों से विकसित की तो चीन के नागरिकों ने यह विकसित की थी चीन की राजधानी बीजिंग मुद्रा युआन चलती है या रेनबिन भी सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना शुरुआत किस देश में हुई थी सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना संकल्पना शुरुआत दोस्तों ये हुई थी आपकी कब याद रखना यूएसए से ठीक है सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना शुरुआत दोस्तों यूएसए केंद्रीय कृषि विद्यालय पहला राज्य कौन सा है केंद्रीय कृषि विद्यालय पहला राज्य है ना केंद्रीय हाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ इस चीज़ को मैं जी बिल्कुल बिल्कुल केंद्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा है तो ये पहला राज्य है ना याद रखना मणिपुर है मणिपुर इम्फाल बहुत बढ़िया तो केंद्रीय कृषि विद्यालय का स्थापित करने वाला पहला जो राज्य है वो है मणिपुर दोस्तों अगला है द सी ऑफ ट्रांक्यूलिटी कहाँ पर है बताइए द सी ऑफ ट्रांक्यूलिटी शांति सागर कहाँ है क्वेश्चन का मतलब ये है तो ये शांति सागर हमारे कहाँ है दोस्तों बिल्कुल चंद्रमा पर है ना एकमात्र ग्रह पृथ्वी का द सी ऑफ ट्रांक्यूलिटी हमारा चंद्रमा पर स्थित हो जाएगा मून पर स्थित हो जाएगा क्वेश्चन है बस यहाँ पर कंप्लीट होता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है ज्वाइन कर सकते हैं ये हमारे चैनल एम सी सी क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा है ना बिल्कुल धन्यवाद मेरे दोस्तों है ना चलिए ओके